Now next one, types of functions in C language. C language के अंदर functions totally two category में divide किए गए, predefined functions और user defined functions. Predefined functions is also known as library functions or standard function or built-in functions because it is by default available for every C program by including their respective header files. Means built-in functions को corresponding header file include करा के किसी भी program में access करना possible है. It's like four examples: printf, scanf, clr, scr, getch, sqrt, like that. A lot of functions provided by C language by using which we can develop our own C programs. Means अभी तक मैंने जितने भी programs create किए थे, सभी programs के अंदर only predefined functions use किए थे, not a user defined functions. Means currently अगर बात करें exactly current topic क्या है, about user defined functions. Means how to creating user defined functions. First of all, सबसे पहले आपके mind में questions create होना चाहिए, user defined functions को create करने need क्यों? Because अगर आपके पास already built-in functions available, rich number of built-in functions are supplied by C language. फिर भी इस केस में सप्लाई क्या है, प्रोवाइड क्या किया गया है आपके लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करने का जस्ट पर्पस और नीड क्या है, मींस जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस और प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस. मीन सी लैंग्वेज ने जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड किए, इन प्रीडिफाइंड फंक्शंस के थ्रू ओनली कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल, नॉट अ कंप्लीट प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल्स, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है, एसक्यूआरटी. एसक्यूआरटी इज अ लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी. सेम एज अगर किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस अवेलेबल समथिंग पावर लाइक दैट. सेम एज अगर किसी नंबर को डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने के लिए सेपरेट फंक्शन अवेलेबल है एज अ printf. इसे जितने भी फंक्शंस आपको शो रहे हैं, सारे के सारे फंक्शंस कैसे, मोस्ट ऑफ कॉमन ऑपरेशंस, नॉट अ कंप्लीट ऑपरेशंस. कंप्लीट ऑपरेशन मींस फॉर एग्जांपल्स, अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सी ने कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड नहीं किया, देन हाउ टू calculating factorials. Same as a lot of problem of functions are available. For example, check the given number is prime or not. Is prime number ko check karne ke liye, factorial calculate karne ke liye, aur palindrome number check karne ke liye, is type ka koi bhi function available nahi hai. There is no such functions provided by C by which using we can check the type of number or we can perform factorial operations or like a reversing numbers like that. Then how to perform these operations? Means C language ने आपके लिए predefined functions तो provide करेंगे. Predefined functions कैसे हैं? Most common functionality, most common functionality or logics are available in the form of library functions. लेकिन इन common functionalities के through programs create करना possible. लेकिन C language ने आपके लिए all types means complete functions provide किए, not a complete functions. Then अगर आपके केस में किसी प्रोग्राम के केस में मीन्स आपको कुछ सर्टेन फंक्शन है, सर्टेन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऑपरेशंस, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल नहीं, देन सेम फंक्शन सेल्फ क्रिएट करना पॉसिबल है. जब भी आप खुद से कोई भी अपना न्यू फंक्शन डिजाइन करोगे, देन इस न्यू फंक्शंस को नेम देंगे एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो इस केस में इस सेशन में कंसोलिडेट किसके लिए, किस लिए करेंगे, ओनली फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, नॉट अ लाइब्रेरी फंक्शंस, क्योंकि अभी तक प्रीवियस एप्लीकेशंस में जस्ट यूज क्या किया, ओनली लाइब्रेरी फंक्शंस. बट टिल नाउ वी आर क्रिएटिंग हाउ आवर और आवर ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएटिंग आवर ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस. फंक्शंस के रिस्पेक्ट में होल थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, थ्योरी सेशंस कंप्लीट करने के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के जस्ट बाद नेक्स्ट सेशन रहेगा हाउ टू क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्राइम और सम अदर फिबोनाची सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जस्ट फंक्शन राइट डाउन करेंगे.